लद्दाख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को दिया कड़ा झटका, कहा विस्तारवादी नहीं विकासवादी नीति का है जमाना। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। प्रधानमंत्री ने बिना चीन का नाम लिए साधा निशाना, कहा हम कृष्ण की बांसुरी और सुदर्शन चक्र दोनों को आदर्श मानते हैं। लद्दाख में प्रधानमंत्री ने घायल जवानों का हाल जाना, पीएम ने बढ़ाया जवानों का हौसला, बोले आपके शौर्य और साहस को पूरी दुनिया ने देखा। लेह में पीएम मोदी ने एलएसी के हालातों पर ली जानकारी, सेना के अधिकारी ने नक्शे की मदद से दी ब्रीफिंग, कांग्रेस ने कहा पीएम ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया। कानपुर में पुलिस टीम पर हमला करने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अब तक फरार, गांव में पुलिस का नाका। वारदात के बाद विकास दुबे के गांव में भारी पुलिस बल तैनात, दो दर्जन से ज्यादा लोगों से हो रही है पूछताछ। आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास पर चौबेपुर थाने में दर्ज है 60 केस, उसके तीन भाई भी हिस्ट्री शीटर। जबरन जमीन अपने नाम लिखवाने के केस में 5 जांच के लिए गई थी पुलिस, आशंका के चलते ही कई थानों की पुलिस थी साथ में। गांव में पुलिस वालों को घेरने का पहले से ही तैयार था प्लान, एक सीओ और 2 एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी हुए शहीद। कानपुर में शहीद पुलिस वालों को रायबरेली में दी गई श्रद्धांजलि, शहीद चौक पर लोगों ने जलाई मोमबत्तियां। कानपुर में शहीद औरैया के पुलिसकर्मी राहुल के घर मातम, 2 साल पहले हुई थी शादी, 3 महीने की है मासूम बेटी। कानपुर में शहीद डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा के घर भी मातम, गमजदा भाई ने कहा हमारा सब कुछ चला गया। श्रीनगर में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर झारखंड पहुंचा, सीएम और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। जयपुर में शहीद कर्नल आशुतोष की मां ने बेटे के जन्मदिन पर लगाया पौधा, कश्मीर में शहीद हुए थे कर्नल आशुतोष। देश में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, पहली बार 24 घंटे में करीब 21,000 नए मरीज, कुल आंकड़ा 6,25,000 के पार। 24 घंटे में देश भर में 379 लोगों की मौत, अब तक 18,213 लोगों की हो चुकी है मौत। यूपी में एक दिन में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी, 24 घंटे में सामने आए 982 नए मामले, कुल तादाद 25,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 6,364 नए मामले, कुल आंकड़ा 1,92,000 के पार, अब तक 8,376 लोगों की मौत। मुंबई में कुल केस 82,000 के पार, अब तक 4,700 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 2,520 मामले, 94,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 2,923 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 59 की मौत, मौतों का आंकड़ा 2,900 के पार। राजस्थान में कोरोना केस 19,000 के पार, शुक्रवार को 390 नए मामले। मध्य प्रदेश में कोरोना के 191 नए मामले, कुल केस 14,000 के पार, अब तक करीब 600 मौतें। गुजरात के सूरत में अब तक 5,400 केस, आज मुख्यमंत्री विजय रूपाणी करेंगे दौरा। कर्नाटक में भी बढ़े कोरोना के मामले, एक दिन में 1,700 केस, करीब 1,000 केस अकेले बेंगलुरु में। 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोरोना वैक्सीन, क्लिनिकल ट्रायल में तेजी लाने के दिए गए निर्देश। जायड्स कैडिला ने भी कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बढ़ाए कदम, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए डीसीजीआई से मिली मंजूरी। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर के घर पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, परिवार को दिया 1 करोड़ का चेक। सीआईएसएफ के जवानों की शानदार पहल, कोरोना मरीजों के लिए दान किया ब्लड प्लाज्मा। कटिहार में सदर अस्पताल के कई डॉक्टरों को कोरोना, 6 नर्से भी संक्रमित। कोलकाता एयरपोर्ट के पास हालात बिगड़ने के बाद एक महिला की मौत, प्रशासन ने खबर मिलने के बाद कई घंटे तक नहीं ली सुध। मदुरई में कोरोना की वजह से सख्त नियम कायदे कानून लागू, अब तक सड़कों पर नहीं उतरी निजी बसें। वाराणसी में रात के कर्फ्यू को तोड़कर बाहर निकले लोगों ने पुलिस से की मारपीट, पुलिस सीसीटीवी से करेगी लोगों की पहचान। पूजा के बाद खाए प्रसाद से फूड पॉइजनिंग, पूरा परिवार पड़ा बीमार, 7 लोगों में 4 बच्चे शामिल। मुंबई में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, जारी किया रेड अलर्ट। शुक्रवार को भी मुंबई में हुई झमाझम बारिश से पानी पानी हुई महानगरी, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश ने मुंबई वालों की बढ़ाई मुश्किलें, जलजमाव की वजह से अंधेरी सब विपत्त। असम में बाढ़ का बढ़ रहा है कोहराम, अब तक 34 लोगों की मौत, 1.5 लाख से ज्यादा प्रभावित। हिमाचल की मंडी में जोरदार बारिश, खेतों में पानी भरा, बादलों की वजह से दिन में ही छाया अंधेरा।
दिल्ली एनसीआर में फिर हिली धरती, मृत्यु पैमाने पर 4.7 मापी गई तीव्रता, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के अलवर में था भूकंप का केंद्र, धरती से 35 किलोमीटर नीचे से उठी तरंगे। दिल्ली में भूकंप से काफी नुकसान, कैंट इलाके में गिरे पेड़, बिजली के खंभे भी जमींदोज। अलवर में भूकंप के बाद ऊंची इमारतों में मची अफरा तफरी, लोग घरों से बाहर निकले। ग्रामीण इलाकों में महसूस किए गए तेज झटके, सीसीटीवी में कैद हुई भूकंप से हिलती चीजों की तस्वीरें। जोधपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, चौपासनी इलाके में मिले पति पत्नी और पुत्र का शव। सुपौल में साइड न देने पर बदमाशों ने कार पर चलाई गोलियां, कार से उतारकर ड्राइवर को पीटा। मणिपुर में 2 करोड़ की ड्रग्स बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। आगरा में रिटायर्ड दरोगा की दबंगई, ऑटो चालक को पीटने की तस्वीरें वायरल। दिल्ली में आज आए एक्टिविस्ट की पीट पीट कर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने ली जान, कातिलों का नहीं मिल रहा है कोई सुराग। सुशांत सिंह की खुदकुशी मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, याचिका में सलमान और आदित्य चोपड़ा पर एक्शन की मांग। रायपुर में बदमाशों ने लूटी कैश वैन, पुलिस को लुटेरों का नहीं मिला कोई सुराग। पटना में 52 लाख की बैंक लूट का राज खुला, 5 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड चलाता था कोचिंग सेंटर। रोहतक में एनआरआई की हत्या का मामला सुलझा, नौकरानी ने पति के साथ मिलकर रची थी कत्ल की साजिश। इंदौर के हनी ट्रैप केस में आरोपी जीतू सोनी की रिमांड 1 दिन और बढ़ी, पुलिस को अब तक नहीं मिले अहम सबूत। छपरा में सैंड आर्ट के जरिए चाइनीज ऐप पर साधा गया निशाना, ड्रैगन पर दिखाया शेर का प्रहार। निजी ट्रेनें चलाने का विरोध, जोधपुर में रेल कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर किया प्रदर्शन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र पर बोला हमला, विरोधी दलों की सरकारें अस्थिर करने का लगाया आरोप। पंजाब में कांग्रेस कर रही है सिद्धू को मनाने की कोशिश, बिजली मंत्री के पद की पेशकश। प्रयागराज में 1 लाख का इनामी पूर्व विधायक गिरफ्तार, 3 साल सता फरार, राजूपाल हत्याकांड में भी है आरोपी। कोरोना से बचने के लिए बनाया 3 लाख का सोने का मास्क, पहनने वाला बिल्डर गहनों का है शौकी। दिल्ली के मयूर विहार में कंटेनमेंट जोन बनने से लोगों को भारी दिक्कत, परेशान लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। बाड़मेर में फिर 7 दिन के लॉकडाउन को लागू किया गया, कोरोना केस बढ़ने के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। असम में बाढ़ से कई इलाके बेहाल, पुल टूटने की वजह से तार पकड़कर नदी पार करने को मजबूर हुए लोग। उन्नाव में गांव में पहुंचा अजगर, वन महकमे ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। झारखंड में आज बारिश और आंधी का अलर्ट, लोगों को घरों में रहने की सलाह। भागलपुर की टिकटॉक स्टार को फिल्मों का मिला ऑफर, संचिता ने कहा टिकटॉक बंद होने का दुख पर मैं देश के साथ। अलीगढ़ में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। लॉकडाउन में दुबई में फंसे 216 भारतीयों की घर वापसी, विशेष विमान से बागडोगरा पहुंचे। दिल्ली के बवाना में 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, दिल्ली के साथ हरियाणा में भी दर्ज है कई मामले। सिलीगुड़ी में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती, दर्जनों लोगों के काटे गए चालान। सैलरी नहीं मिलने से खफा सरकारी कर्मचारी, प्रदर्शन करके जताया विरोध। पाकिस्तान में हादसे में 19 सिख श्रद्धालुओं की मौत, एक बस और ट्रेन की टक्कर में गवाई जान। बरेली में एक थाने के 4 इंस्पेक्टरों समेत 1 दर्जन पुलिस वालों को कोरोना, सीबीगंज थाना सैनिटाइजेशन के लिए बंद। नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में बिना इजाजत क्रिकेट मैच का आयोजन, 51 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 17 गाड़ियों का भी करा गया चालान। देहरादून में कई इलाकों में भारी बारिश, आज पूरे दिन जारी रह सकता है ये सिलसिला, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इंदौर में गैस सिलेंडर गिरने से 3 लोग घायल, सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हैदराबाद में अस्पताल की मनमानी, पैसे के लिए नहीं दे रहे कोरोना मरीज को छुट्टी। हाथरस में बड़ा हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद लगी आग, 3 लोग जिंदा चले। अयोध्या में कल से शुरू होगा सावन झूला मेला, कोरोना के मद्देनजर बाहरी श्रद्धालुओं के आगमन पर रोक। शिमला में कोरोना पर जीत के लिए हवन किया गया, राज्य के मंत्री ने भी की शिरकत। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार की नई पहल, सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद बिना मंजूरी छोटी इकाई लगाना मुमकिन। कोझिकोड में कई हफ्ते बाद फिर खुले धर्मस्थल, सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियमों का होगा पालन। कानपुर में पुलिस पर हमले की घटना के बाद नोएडा में पुलिस अलर्ट, वाहनों की तलाशी जारी।
गाजियाबाद में स्कूलों की मनमानी पर पेरेंट्स ने की भूख हड़ताल, स्कूल डाल रहे हैं फीस जमा करने का दबाव। बीजेपी नेता गिरीश सोमैया ने आईआरडीए को अस्पतालों की मनमानी पर लिखा पत्र, कहा मुंबई के कुछ अस्पताल नहीं कर रहे हैं कोरोना मरीजों का कैशलेस इलाज। इंटेल कैपिटल 1894.50 करोड़ में खरीदेगी जियो की 0.39% की हिस्सेदारी। इस 11वें निवेशक के बाद जियो ने अब तक 1.18 लाख करोड़ जुटाए। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट, एक साथ 100 लोगों तक हो सकते हैं शामिल। ग्लो एंड लवली और ग्लो एंड हैंडसम पर अधिकार को लेकर इमामी एचयूएल में जंग, इमामी ने बताया अपना ट्रेडमार्क। मारुति सुजुकी ने शुरू किया अपनी कारों का को लीज पर देना, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम और बेंगलुरु में होगी सेवा की शुरुआत। परमाणु हथियार बनाने में जुटे ईरान के मंसूबों पर फिरने लगा पानी, भूमिगत परमाणु संयंत्र में भीषण आग लगने की खबर। कोरोना काल से मई सितंबर में शुरू होगा फ्रेंच ओपन, दर्शकों को भी होगी स्टेडियम में आने की इजाजत, 9 जुलाई से शुरू होगी टिकटों की बिक्री।